हाय दोस्तों, हमारे न्यू ब्लॉग वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम अमरावती सिटी के अंदर हैं, मतलब फोर लाइन नागपुर टू अकोला, तो इस रोड पे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं रोड फोर लाइन है। तो मैं सोचा आज आप लोग को कुछ रोड की जानकारी दूँ। दोस्तों ये नागपुर से निकलता है रोड और सीधा जाता है अकोला, अकोला से सीधा मुंबई। तो मुंबई रोड है दोस्तों, बहुत दूर तक गया है। हमारे पीछे देख सकते हैं बिल्डिंग वगैरह है अभी, तो पीछे बहुत ही बढ़िया लग रहा है दोस्तों देखने में, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं सोचा अपने दोस्तों को भी दिखाता हूँ, आज अमरावती का सैर कराता हूँ। थोड़ा बाहर बाहर में हूँ, सिटी के अंदर नहीं हूँ दोस्तों, सिटी से बाहर है, फोर लाइन पे है। तो आज आप लोग को हम फोर लाइन का कुछ नज़ारा दिखाएंगे। तो आओ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए, फिर वीडियो में बने रहना दोस्तों। और एक ही रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब करके लाइक कर देना, फिर अब चलते हैं। ये है दोस्तों कुछ नज़ारा बिल्डिंगों का। यहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग है दोस्तों अमरावती ज़िले में, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ऊंची ऊंची। और ये फोर लाइन है नागपुर टू मुंबई अकोला, तो बहुत सारे जगह गया है दोस्तों। और ये फोर लाइन बहुत ही बढ़िया फोर लाइन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज चलते हैं फोर लाइन की साइड और आगे चलते हैं अकोला रोड पर, दूर से 5-6 किलोमीटर आगे चलेंगे अभी, तो आप लोग को मैं दिखाऊँगा। तो ऐसा है दोस्तों नज़ारा, हमारे बांके जी खड़े हैं देख सकते हैं, थोड़ा सुस्त माहौल, बिजनेस वगैरह नहीं हुआ दोस्तों इसलिए। तो अभी तो बिल्डिंग बहुत ही बढ़िया लगा, तो हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, आप लोग वीडियो में। दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं पहाड़ वगैरह का, देखो दोस्तों अमरावती में बहुत ही भयंकर पहाड़ है। ये जो पहाड़ दिख रहा है आप लोगों को, मैं रोड पर इससे चल रहा हूँ इसलिए, तो यहाँ से बहुत दूर तक है दोस्तों। और ऐसा है मतलब जो रोड है दोस्तों, यहाँ पर फूल पौधा बहुत ही बढ़िया लगता है, जैसे शाम के टाइम में देखने आओ तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि दोस्तों फोर लाइन बहुत ही लंबा है, तो ये पहाड़, तो ऐसा नज़ारा है दोस्तों देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। जैसे दोस्तों आप लोग कभी भी घूमने आते हैं अमरावती में, तो आप लोग को ये फोर लाइन बाहर बाहर से तो ऐसा ही दिखेगा जैसे मैं अपने मोबाइल में आज आपको दिखा रहा हूँ। और मंदिर भी है दोस्तों, इस पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है, तो आप वहाँ पर भी जाकर दर्शन कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया मंदिर है दोस्तों। लेकिन थोड़ा ऊँचे पे है, बहुत ही मेहनत लगता है चढ़ने में, पहाड़ के ऊपर जाने में। तो ये पहाड़ है दोस्तों, बहुत ही ऊपर तक पहाड़ है, और ये सीढ़ी बनी हुई है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा सीढ़ी, दिखेगी थोड़ा बहुत तो। ये दोस्तों ये है सीढ़ी, आप लोग को दिख रहा है ना, तो ये सीढ़ी से आप लोग ऊपर दर्शन करने जा सकते हैं मंदिर में। बहुत ही बढ़िया मंदिर है यहाँ अमरावती में, तो ऐसा पहाड़ और रोड ऐसा रहा, और रोड की साइड में बिल्डिंग वगैरह है। तो ये दोस्तों अमरावती क्षेत्र बहुत ही बढ़िया लगा हम लोगों को, क्योंकि दोस्तों बहुत ही बड़ी सिटी है, कम से कम हमारे अंदाज से मैं बता रहा हूँ 15 से 20 किलोमीटर के रेंज में सिटी एकदम बनी हुई है। ऊपर होगा दोस्तों, इससे ज़्यादा होगा कम नहीं, 20 किलोमीटर से कम नहीं होगा। एक साइड से अगर तुलना करेंगे तो 20 किलोमीटर लमसम जाएंगे तो भी सिटी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि जो हम लोग इस रोड पे चल रहे हैं तो कम से कम 15 से 16 किलो 20-25 किलोमीटर लमसम होगा दोस्तों। क्योंकि नागपुर अकोला रोड जब अपन क्रॉस करते हैं, जब नागपुर से अकोला रोड पे मतलब अमरावती सिटी के अंदर घुसते हैं, तो वहाँ से अकोला रोड जाने में कम से कम 25 किलोमीटर लगता है, बाईपास है दोस्तों 25 किलोमीटर। तो ऐसा है गार्डन वगैरह, नीचे शादी हाल है, नीचे में दिखा रहा हूँ ये शादी हाल है, तो आप लोग अमरावती की ग्रीन सिटी देखें, बहुत ही बढ़िया सिटी ना हो अमरावती, महाराष्ट्र जिले में है दोस्त, महाराष्ट्र में है दोस्तों, राज्य जो महाराष्ट्र है और जिला अमरावती, नागपुर से 160 किलोमीटर अमरावती है दोस्तों। अगर आप सिटी के अंदर जाते हैं तो 160 किलोमीटर पड़ जाता है अमरावती से, और कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। मैं बहुत ही बढ़िया से दिखा रहा हूँ आप लोगों को ये रोड का नज़ारा, तो
तो ऐसा नज़ारा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ शाम के टाइम पे बहुत ही अच्छा लगता है। जब शाम में आप घूमने आते हैं, फोर लाइन पे बैठते हैं, तो बहुत ही प्यारा नज़ारा लगता है यहाँ पर। ये हाईवे रोड के जो इस साइड में है दोस्तों, अभी प्लाट गिरे हुए हैं, अभी बना नहीं, उतना कुछ कुछ बंद हुए हैं। और रोड के इस पार सिटी के साइड पूरा बिल्डिंग खड़ी हो गई दोस्तों। काश ऐसा बिल्डिंग कब हमारा भी होगा, देखेंगे। कोशिश अपनी जारी है, कभी ना कभी तो ऊपर वाला देगा ही। ऐसी बिल्डिंग देख सकते हैं दोस्तों। दूसरे का घर देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, लेकिन अपना घर नहीं बन पा रहा है दोस्तों। बस आप लोग को प्यार सपोर्ट चाहिए दोस्तों, बन जाए ऐसा हमारा भी घर। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, प्लाट गिर चुका है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा। तो ऐसा है दोस्तों हम लोग अमरावती का जो रोड है फोर लाइन, तो इस पर घूम रहे थे। तो अभी हम लोग सब इकट्ठा हो गए, हमारे दोस्त जो हैं ग्वार भाइयों, बिजनेस नहीं हो रहा है, स्कीम डाउन हो चुकी है, अब घर चलो, होली आ गई है, बिजनेस नहीं होगा। ये स्कीम का धंधा जो है दोस्तों बहुत ही कम चल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं सभी जो है ना, बिजनेस नहीं हो रहा है, सब ऐसे ही लबारी घूम रहे हो। बस दोस्तों आप लोग देख सकते हो, हम लोग का बिजनेस जो है एकदम पूरा डाउन हो चुका है। यहाँ से आज 18 मार्च है, अब 6 दिन बचा है होली का, और उसमें रुपया पैसा एक भी कमाई नहीं चल रही है। घर परिवार कैसे चलेगा, कैसे होली मनेगी, समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हो ऐसा चल रहा है कार्यक्रम, बिजनेस एकदम पूरा डाउन हो चुका है, होली आ गई दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा दो 6 दिन बचा है, 25-24 तारीख को होलिका जलेगी और 25 तारीख को होली खेला जाएगा। इसीलिए मैं सबको हैप्पी होली पहले से ही, आज 18 मार्च ही से। तो दोस्तों हमारे सभी दोस्त अभी देख सकते हैं पूरे खड़े हैं, तो धूप ज़्यादा लग रही है, तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुके है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग देख सकते हैं रोड वगैरह तो मैं दिखा ही रहा हूँ आप लोगों को, अमरावती सिटी बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, लेकिन एक चीज़ है, बिजनेस नहीं होता है यहाँ पर, डाउन हो चुका है बिजनेस। तो होली आ गई है दोस्तों, होली में बिजनेस थोड़ा बहुत डाउन हो जाता है। तो बस दोस्तों और आगे चलते हैं रूम के साइड, अब रूम पे चलना है दोस्तों, क्योंकि बज गए 12 और 12 बजे के बाद तो दिमाग काम नहीं करता है बिजनेस में दोस्तों, धूप ज़्यादा लग जाती है, इसलिए हम लोग अब चलते हैं रूम के साइड। तो रूम पे चलते हैं बस दोस्तों, अब क्या बताएं दोस्तों, वीडियो को यहीं पर विराम कर देते हैं। दोस्तों सबको एडवांस में हैप्पी होली, और होली बहुत ही बढ़िया आपकी ज़िंदगी में आए, और ज़िंदगी से बढ़िया खेलें होली, ज़्यादा मारपीट ना करें, और ज़्यादा दारू और ड्रिंक ज़्यादा ना करें दोस्तों, आंग भांग ज़्यादा ना लें, बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ। बस दोस्तों वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।